तमाम ही सिंगल लोगों को मेरा सलाम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो तुम सारे के सारे? तो तुम लोगों को पता ही होगा कि हमारे चैनल पे एक सीरीज है जहाँ के अंदर हम जो स्ट्रीट फूड होता है इसको रिव्यू करते होते हैं। लेकिन इस सीरीज की एक परंपरा है कि आपने ये वीडियो देखनी है अपना लंच या डिनर करते हुए। तो मैं चाहूंगा कि मोस्टली ये वीडियो जब तक अपलोड होगी तो डिनर का शायद टाइम हो चुका होगा और मोस्टली लोग ऐसे भी डिनर में ही देख रहे होंगे। तो मैं कहता हूँ कि आप लोग जरा जाएं उठ के और अपना डिनर लें, तो डिनर करते हुए हम ये जो है सारी वीडियोस देखेंगे। नहीं अभी जाओ, अभी उठ के जाओ, मैं भी है जो जरा उतनी देर कुछ खा पी लेता हूँ। ओहो, ये डोनट कहाँ से आ गया? पहले तो कभी डोनट नहीं आया। डाडो मजो आयो। तो भाई अगर सबका खाना छाना आ गया तो चलते हैं फिर सीधा वीडियोस देखते हैं, लेट्स गो। भाई मैं तो मक्खी की वीडियो बना रहा था, ये छिपकली मक्खी खाने आई है, मिठाई नहीं इसलिए है। वाह 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 भाई, क्या क्या कहने। मैं भी कहूँ ये जो मिठाई होती है इसके अंदर इतनी मिठास क्यों होती है? थोड़ा छिपकली ने अपना भी शीरा छोड़ा होगा। बेसिकली उसने मक्खी की वीडियो बनाने के लिए कैमरा ऑन किया और वहां छिपकली भी घूम रही है मिठाई के अंदर। अच्छा ये तो गोरमे है भाई, अभी गोरमे से मैंने दो दिन पहले जो है वो ब्राउनी खाई है। और ये फेंटा इसके हाथ में देख के मैं समझ गया हूँ ये कोई फेंटा शंटा ऑमलेट शोमलेट बनाने लगा। ऐसी बकचोदियां हमने पहले भी देखी हुई है। देखो वैसे मुझे पता है यहाँ पे लोग बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं अंडे में, किसी भी चीज में अंडा डाल देते हैं या अंडे में कितनी सारी चीजें चलते हैं, जैसे आलू अंडा बना लेते हैं, प्याज अंडा बना लेते हैं, लेकिन वो स्टिल बड़ी टेस्टी चीजें होती हैं। मुझे नहीं पता भाई ये शिट क्या है, क्यों सोच के क्या सोच के ये लोग ये चीजें बनाते हैं। मतलब ऑमलेट एक इतनी अच्छी हेल्दी चीज है जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन फंटा डाल दो भाई अंदर। अब ये तो इसने प्रॉपर सालन ही बनाना शुरू कर दिया भाई। चिकन भी ले आया, चिकन भी लाके डाल दे, आलू भी लाके डाल दे, सालन ही बना ले, फेंटा ऑमलेट सालन। भाई चलो जिसने बनाना है उसने तो बना के बकचोदी करनी है, मैं खाने वालों का सोच रहा हूँ खाते क्यों है। यूनिक कोल्ड ड्रिंक्स ऑमलेट ऑफ कोलकाता। कोलकाता वालों यार क्यों, वाई? किसी ने लिखा है फास्ट फूड नहीं लास्ट फूड। भाई प्लीज यार मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ भाई ऑमलेट को ऑमलेट रहने दो। मैं बनाने लगी मिक्स। यार इन आंटी को मैंने देखा इंस्टाग्राम के ऊपर फ्रूट आ गया, सेमिया मिक्स फ्रूट वाली सेमिया बनने लगी है गाइस। आज और मैं पा देनी एक गिलास पानी का, पानी उबल गया तो फिर सेमिया पा देनी है। तो ये लो ठीक है गाइस, ये क्या है सेमिया हो गया तो हूं मैं सेमिया पा देवा। ठीक हो गया जी, सेमिया गल गई वा तो हूं मैं पा देना वा मिक्स फ्रूट, केला, सेब, हूं मैं पा देनी सुके ग्रेप्स, हूं मैं पा देनी कोकोनट। वाह जी वाह। नहीं तो ये सारी चीजें वैसे ही मिक्स करके खा लो और जो सेमिया आपने वो अलग खा लो, ये मिक्स करके दोनों चीजों को इतना जरूरी है। हूं मैं पा देनी तीन इलायचियां। ओए होए खुशबू भी आनी चाहिए। मैं पा देनी अद्धा ढक्कन खंड दा। हूं मैं अच्छी तरह इन्हें मिक्स कर लेनी। मिक्स करना सबसे ज्यादा जरूरी है। मिक्स फ्रूट सेवियां तैयार हो गई, हूं मैं इन्हें कढ लेनी। वो ये मक्खी तैयार रही है। माँ दी वीडियो लाजमी देखो, ज्यादा ज्यादा सपोर्ट करो। माँ जी फुल सपोर्ट है आपको, लेकिन ये जो आपने हरकत की है ना इस चीज पे बिल्कुल सपोर्ट नहीं है। भाई यहाँ पे वीडियो रोक के मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा, टेंशन मत लो, कोई स्पॉन्सर्ड नहीं बीच में घुसाने लगा। अनाउंसमेंट ये है कि मुझे इस चैनल थग्स ऑफ पाकिस्तान के लिए एक चाहिए वीडियो एडिटर, और अगर आप वीडियो एडिटर हो तो ये आपके लिए ही अनाउंसमेंट। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन खोलो, वहाँ पे पहला जो लिंक है उसको आपने ओपन कर लेना है और ये छोटी सी रिक्वायरमेंट्स पढ़ लेनी है आपने। फिर यहाँ पे अपना आपने फुल नेम लिखना है, एज लिखनी है, सिटी लिखना है, और यहाँ पे आपने अपना पुराना काम कोई YouTube वीडियो चैनल किसी के लिए किए हैं, अपने लिए किए हैं, जो भी है ड्राइव में अपलोड कर दो, कहीं पे भी अपलोड करके उसका लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दो, और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो सैलरी मंथली ये इतनी की वीडियोस हुआ करेंगे ये आप पढ़ लेना, और यहाँ पे अपना व्हाट्सएप देके इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। फिर अगर मुझे आपका काम पसंद आएगा तो मैं आपको खुद इसी व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट कर लूंगा। अगर आप वीडियो एडिटर हो तो अभी के अभी जाके अप्लाई करो। सबसे पहले आ रहा है ओ भाई ये क्या है, ये तो देख रहे भी जीप ले आएगा, चुस्ता आएगा आपका, चुस्ता। गाइस ये लव्स मैंने पहली दफा देखा, और ये चुस्ता चुस्ता जो भी है ये मैं, भाई ये क्या है भाई, ये क्या है, ये क्या है चुस्ता? ये देखिए भाई ये होता है भाई झारखंड का फेमस चुस्ता, और चुस्ते का साइज देख सकते हो कितना बड़ा रहने वाला है। तो भैया जी आपको लग रहा है कि मैं खा जाऊंगा अकेले? अकेले तो नहीं खा पाएगा सर, उसका गारंटी देते हैं। अच्छा जी किसी ने कहा चुस्ता नहीं। तो सर एक प्लेट पकौड़ी लगा दो हमारी। तेरा अरे
ले भाई ये उठा, ये पकड़ भाई। किसी ने बिरयानी ऑर्डर करी तो जब उसके घर में बिरयानी पहुंची वो बीमार हो गया, और उसको जब हॉस्पिटल में उसका सैंपल लिया गया पेट से, तो जब उस बिरयानी की जांच की गई, उस जहां से बिरयानी आई थी उसमें पॉटी मिलाई हुई थी। वाह, पॉटी बिरयानी पहली दफा सुन रहे गाइस। टेस्ट के लिए। ये वाकई में ऐसी कोई बकचोदी हुई है या ये इन्होंने सिर्फ ये क्लिप डाला है ताकि लोग हमारी पूरी पॉडकास्ट घंटे की जाके बकचोदी सुने, उसके लिए ये हरकत की है इन्होंने। योर फ्रूट जूस स्मेल्स वियर्ड, यू आर द ओनली वन, अदरवाइज पीपल सेइंग इट इज वेरी टेस्टी, व्हाट्स द येलोइश थिंग यू मिक्स्ड इन माय जूस। भाई ये वीडियो जहाँ जा रही है ना, मैं जाती हुई देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि ये वीडियो कहाँ जा रही है। इट्स जस्ट फॉर द फ्लेवर, इट स्मेल्स लाइक ह्यूमन। भाई ये तो पार्ट थोड़ा ज्यादा ही हो गया मेरे ख्याल से आज का। भाई बनता तो यही है, इसको क्या पी, तू भी पी साले। बनाना शेक बनाऊंगा गर्लफ्रेंड के लिए दूध। अरे ये क्या बकचोदी है भाई आज की वीडियो के अंदर। सब भाई इतना तो मैंने भी नहीं सोचा था। एक सोचा हाँ। ये लो बनाना शेक पियो। अगर ये इसने पिया, अच्छा बीच में एक छोटा सा कट आया फिर ठीक है। मतलब व्यूज के लिए लोग क्या चुत्यापा कर रहे हैं यार, क्या चुत्यापा कर रहे हैं भाई। आई स्टॉप ड्रिंकिंग दिस फॉर अ रीजन। ये क्या भाई, थिंक ट्वाइस बिफोर यू कंसीडर टू बी हेल्दी। भाई क्या बन रहा है यार, जल्दी दिखाओ भाई। डिब्बे वाले वो जो मैंगो जूस होते हैं भाई, मैंगो तो हमें कहीं नजर ही नहीं आया इसके अंदर। और पियो ठंडा ठंडा, एंजॉय करो जाके। ये जो इसने कलर डाला है ठीक है, ओ भाई ये तो वो ऑरेंज वाली, वो ऑरेंज कलर की जो एक आइसक्रीम होती है यार, ये तो मैं बचपन में इतनी खाई है भाई, ये तो इतनी मजे की होती थी। ये क्या नाम था गाइस इसका, ओ भाई ये तो यार इतनी मजे की होती थी, इसका नाम क्या था पता नहीं भाई, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, लेकिन ये मैंने बहुत खाई है और ये ऐसे बनती है। मैं भी कहूँ कि भाई इतनी टेस्टी क्यों है। और ये भी खुद बना भाई, ये क्या है, अभी मैंने अपने बाइक का ऑयल चेंज करवाया और बड़ी देर बाद करवाया, वो भी जो निकला ना बाद में वो भी इससे थोड़ा कम काला था। बंदे से नहीं कह रहा मैं, ऑयल की बात करूं भाई, मैं नहीं देख रहा भाई आगे। मैं आज बनाऊंगा। ओ भाई ये आंटी फिर आ गई यार, आज आंटी क्या, कौन सी दो चीजों की माँ बहन एक करने लगी है अब। आगे तंदूरी पिज्जा। तंदूरी पिज्जा बनने लगा भाई, पिज्जे होते सॉस। पिज्जा कहाँ है और सॉस कहाँ है, और मुझे इस टाइम पे एक तो मक्खी ये नजर आ रही है। ला लेंगे दो तीन चार। ओए होए होए। अच्छे तरीके, ये मक्खी मेरे ख्याल से आंटी का सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। सॉस लग गई है तो हुन मैं उत्ते सब्जियां पा दवा। अच्छा ये सॉस थी, अच्छा ये सब्जियां भी आ गई। प्याज पाया हो गया आंटी जी, टमाटर हो गया, मिर्च भी हो गई, सब्जियां लग गई हुन मैं चीज पाउनी। ओए होए चीज, चीज पाती हुन अग दे उत्ते रख दवा। जैतून कोई नहीं, इसते हुन मैं मेवा लाउन लगी उत्ते। ओए होए मेवे वाला पिज्जा, हुन ओदे उत्ते एक एग पा देना। ठीक हो गया जी, एग पा देना आंटी जी, पा दियो एग। आंटी जी रोटी तो सही ले लेती ना यार, वो भी आपने जली भी ले ली है। हुन मिक्स नहीं करना, तो एकदा चमची दे नाल मड़ा मड़ा हला दे। ठीक है मिक्स नहीं करना, पिज्जा रेडी हो गया। मिसक नहीं करना गाइस, हल्का हल्का। क्या हुन मैं स्कीम दे दनी उते, अल्हम्दुलिल्लाह तंदूरी पिज्जा तैयार हो गया, तो हुन मैं काट लेंगी। ओए होए होए होए, तंदूरी पिज्जा इज रेडी गाइस, बहुत सोना बन गया। नहीं सोना तो आंटी कहीं से नहीं है, बाकी आप टेस्ट करें, अल्लाह ना करे कोई और टेस्ट करे इसको। ये है, इसको ट्राई करते हैं गाइस घर में, लेकिन अब इसके लिए मसला ये है कि मक्खियां पकड़ पकड़ के लानी पड़ेंगी। एटलीस्ट एक अच्छे तंदूरी पिज्जे के अंदर होममेड 5-6 मक्खियां होना लाजमी है। बस ये बकचोदी नहीं, ये फिर कोलकाता आ गया भाई, कोलकाता फेमस पिटाई पराठा। अच्छा पिटाई, ये पिटाई हो रही है, अच्छा अच्छा समझ गया समझ गया। ये आप भाई गलत प्रोफेशन में आ गए हो, आपको बनना चाहिए था धोबी।
तो ये मतलब करके क्या हुआ, ये मतलब समझ नहीं आई मुझे। अच्छा मतलब ऐसे फिर साथ दे देना कि खाओ, तो भाई मुझे सीधा सीधा ही दे दे पराठा, मैं इन चीजों के साथ खा लूंगा। ये उसकी मानने की क्या जरूरत थी? That's exactly what life has done to me. Sad भाई। स्टिंग वाली चाय, स्टिंग चाय, अपनी अपनी तरफ दोनों सब ठीक चल रहा है, लेकिन मिला के दोनों की टुई मार दो। अरे नहीं, बस यहां तक चाय बनेगी, बस अब निकाल के पी लो, ये बहन मत पेश करो अपनी। ओहो आइटमें भी करनी है। अच्छा अभी ये कप नहीं भरे इसने, ताकि और थोड़ी थोड़ी स्ट्रिंग डाले। बेरोजगारी इज रियल गाइस। ये ऐसा ये जितनी भी हम वीडियोस देखते हैं, ये आइडिये उन लोगों के दिमाग में आ ही नहीं सकते जिनका धंधा अच्छा चल रहा हो। फॉर एग्जाम्पल एक पराठे बना रहा है बंदा, या एक चाय बना रहा है बंदा, उसकी चाय अच्छी बिक रही है, वो ये बकचोदी करेगा ही नहीं। लेकिन जिस बंदे की चाय नहीं बिक रही, वो सस्ती हरकतें करेगा ऐसी, या पराठे पिटाई, पराठा चार चपेड़े मार दो पराठे को, अंडे में फेंटा डाल दो, डेयरी मिल्क चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। नहीं भाई नहीं 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 यार ये मत करो, ये मेरा जो है ना वो भरोसा मत तोड़ो भाई। वो तो झूले ले रहा है अंदर, मजे कर रहा है। 100 रुपए की मनोज भाई की स्पेशल थाली। मनोज भाई एक थाली लगा दो यार, बड़ी वायरल हो रही है यार। लो पैसे, इसके ऊपर 200% GST है यूट्यूबर के लिए। अच्छा, हाँ, तो 2000 रुपए और निकाल भाई। ये बात सब ये जितने भी है ना, ये इनको समझ जानी चाहिए कि ये जो भी कैमरा लेके आ रहा है ना बंदा, उससे एक्स्ट्रा लो। अच्छा लगा दो 1900 रुपया। ठीक है ठीक। सबसे पहले क्या आ रहा है बना, ये तो बता। ये आगे दो रोटी, चार आती है, दो रोटी खत्म है, चावल बढ़ा दूंगा। और इसके बाद? अरे चुप होएगा यार। पढ़ाई के वक्त तो था, दिमाग नहीं था, पढ़ना तो है नहीं। ये अपने चावल आ गए भाई, खतरनाक तरीके वाले। मैं ना सहता भाई, मैं ना सहता। कौन से चावल होते हैं ये तो बता दो। ये मुझे नहीं पता यार। इसके बाद ये क्या आ गया अपना, ये क्या लाए हो बता दो। तो भाई वो कंटेंट ही नहीं दे रहा अपना। ये आ गई चाप 60, ये 10-70, ये पकड़, ये रख दो इधर। ठीक है ये पकड़, चल भाग जा, पूरा ईमानदारी का खेल है, चल भाग। ये अपनी थाली कितने की हो गई? ये मैं अनपढ़ आदमी हूँ, ये जा उधर, जा उधर। भाई ये 60 रुपए की थाली हो गई, और इसे खाने के लिए तुम्हें आना पड़ेगा मनोज भाई के पास। अपने दादाजी के फटे हुए कच्चे से ये चीला बनाकर बेचते हैं, क्योंकि ये इनके दादा की आखिरी निशानी है। इनका मानना है कि इससे चीले का स्वाद और ज्यादा बढ़कर आता है। सही तो है, क्या गलत किया है इसके अंदर? दादाजी का भी थोड़ा सा टेस्ट आ जाता होगा अंदर। That's it guys, आज की वीडियो के लिए। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा रहा तुम्हारा आज का लंच या डिनर। और मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरा दोबारा से एक डोनट खाने का दिल कर रहा है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय। Wait a minute, get it where you live it. 10 toes and when we standing on business summer. Big step up, underground method.